इजी एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें, और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफिशिएंसी क्या होती है और इफेक्टिवनेस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का क्या लॉजिक है और बिजनेस में इनका क्या रोल है, क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी इज द एबिलिटी टू अवॉइड वेस्टिंग मटीरियल एनर्जी एफर्ट मनी एंड द टाइम इन डूइंग समथिंग और इन प्रोड्यूसिंग अ डिजायर प्रोडक्ट। एफिशिएंसी जो होती है कि एबिलिटी होती है जो कंपनीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो हैं अपने इंप्लॉयज के अंदर, अपने जो मैनेजर्स हैं उनमें डेवलप कर देती हैं। इस एबिलिटी का फ़ायदा क्या होता है? इस एबिलिटी का ये फ़ायदा होता है कि वेस्ट मटीरियल नहीं होता, अब हमारी कंपनी का मटेरियल जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, हमारी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती, हमारी एफर्ट्स, हमारे पैसे, हमारा टाइम जो कंज्यूम हो रहा है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता और हमारी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजिंग आती है, ग्रोथ आती है। तो ये एफिशिएंसी कैसे आती है? हम अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर उनको जो उनमें स्किल्स हैं उनके मुताबिक अपनी जॉब पे लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जो एम्प्लॉय है उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो प्रोडक्शन में बहुत माहिर है, उसके पास एक्सपर्टीज़ हैं, उसके पास स्किल्स हैं कि वो प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से बनाता है, तो उसको ऑटोमेटिक हम उस जगह पे लगा देंगे जिस जगह पे प्रोडक्शन हो रही है प्रोडक्ट की। जो वो उधर काम करेगा तो वो मटेरियल का वेस्ट कम करेगा क्योंकि उसे काम आता होगा, उसकी उसमें स्किल्स होंगे और काम भी अच्छे तरीके से करेगा और प्रोडक्ट भी बढ़िया बनाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग कर दें, उनकी डेवलपमेंट पे काम करें, अच्छे तरीके से उनको तरबियत करके, ट्रेन करके काम पे लगाएं, फिर भी हमारी मनी भी बचेगी, मतलब वो काम भी ज़्यादा करेंगे और प्रोडक्ट भी अच्छी बनाएंगे। उनको हम मोटिवेट करें, उनका हौसला अफजाई करें, उनसे फीडबैक लें कि यार ये जो हम आपसे काम करवा रहे हैं क्या आप इससे बेहतर अंदाज में इसको सर अंजाम दे सकते हो। उनसे इस तरह की चीज़ें पूछ के, इस तरह के तरीकों को इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट में, अपनी कंपनी की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें एफिशिएंसी क्रिएट करके ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्ट भी बढ़िया बनेगी, हमारी प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगी, हमारी प्रोडक्ट पे कॉस्ट भी कम आएगी, जिसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट गेन करेगा। आगे है इफेक्टिवनेस क्या होती है। इफेक्टिवनेस इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसिंग अ डिज़ायर रिजल्ट और द अबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिज़ायर आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, एक जो बोरी है ना, हमने एक बोरी लाई और जिसने वो बोरी दिया उसने बोला यार इस बोरी से 100 प्रोडक्ट बनेगी, 100 प्रोडक्ट बनेगी, आपने उस बोरी से 100 प्रोडक्ट बनाई, ये इफेक्टिवनेस है। आप उसी बोरी से 120 प्रोडक्ट बनाते हैं, ये एफिशिएंसी है। मतलब प्रोडक्ट 100 बननी थी पर आपने वेस्ट नहीं किया, आपने अच्छे तरीके इस्तेमाल किए, आपने थोड़ा मटीरियल लगाया, इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करके आपने उसी जो एक बोरी से 100 प्रोडक्ट बनी वो 120 प्रोडक्ट बना दी। तो इसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। इफेक्टिवनेस वो होती है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जितनी हम उस चीज़ से गेन कर सकते हैं उतनी ही हम प्रोड्यूस करते हैं। तो एक बिजनेस के लिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर खाली एफिशिएंसी को फॉलो करेगा तो प्रोडक्ट में क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी, और अगर खाली इफेक्टिवनेस को फॉलो करेगा तो सिर्फ प्रोडक्ट में क्वालिटी ही देता रह जाएगा और प्रॉफिट बहुत कम करेगा। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को बिजनेस में एक लिमिट फॉर्म में, एक लिमिट लेवल पे इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जो है ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है, ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकती है। आई होप आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।